हाल ही में उन्होंने कुली नंबर वन देखी जो टीवी पे आ रही थी, कल ही आ रही थी, इसकी रीमेक बन रही है वो भी वरुण धवन के साथ। आओ, मतलब व्हाट डू वांट टू से अबाउट, मतलब आपके इतने आइकॉनिक कैरेक्टर, आपका इतना अच्छा रोल है, व्हाट डू वांट टू से अबाउट। फिलहाल मैंने तो ये आपकी पब्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी और फिल्म की पब्लिसिटी तो नहीं होगी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत कामयाब हों, किसी प्रकार का दोष वास्तु शब्द ब्रह्म किसी प्रकार का दोष न लगे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ। और जिस भाव से ये रिलीज़ हुआ है आपकी बहुत तारीफ हो, और किसी भी प्रकार की तकलीफ या दोष ना आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। एक बात ये जरूर है, जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो आप सब परिवार पूरा एक साथ होता है, बहुत ही दुर्लभ बात है और बहुत ही अच्छी बात है आजकल के इस समय में, मतलब बहुत सुंदर है। जय हो शर्मा जी। नहीं नहीं, जानते हैं आप, जानते हैं आप, बहुत अच्छी किस्से सुनाए आपने और इनके बारे में बताई गई ऐसी गूढ़ बातें हमें आज। इनके बारे में क्या बताऊं, कुलदीपक को क्या बताता कोई, हाँ सूरज को कोई दिया दिखाता है क्या, तो मैं इनके बारे में क्या बताऊं, आप सब जानते हैं, है ना, तारीफ करिए, बहन है तो प्यार करती है। नहीं, बहन भी हूँ और प्रशंसक भी हूँ, बहुत बड़ी प्रशंसक है इनका, सब लोग इनके मुरीद हैं। मतलब मैं जहाँ जाती हूँ, सबसे बड़ी बात आज मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, मैं कामनी खन्ना तो हूँ लेकिन मैं गोविंदा की बहन हूँ, ये जो मुझ पर जो टैग लगा है उससे मेरी इज्जत बहुत बढ़ चुकी है, और जैसे कहते हैं ना कि नाम आगे चलता है, तो नाम आगे गोविंदा जी का चलता है, हमारे परिवार में हम पीछे चलते हैं। अरे नहीं, जब तक टाइम चलता है ना सब चलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बात थी, किताब का नाम है कामिनी ऐसी है, हमने रागिनी जी से भी बात की थी, आपने किताब लिखने की कुछ सोचा अपने बारे में, और अगर है तो क्या जर्नी होगी? मैंने सोचा है कि पहले भाषा सुधार लूं, मैंने सोचा पहले भाषा सुधार लूं फिर किताब। पर वैसे भी विचार आया आपको ऐसा कि मतलब कुछ ऐसा लिखें, अब समय है ये कि आपको करना चाहिए? वैसे विषय तो सोचने का है, पर अभी फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि ये आयु है कि मैं इसमें किताब लिख के छाप दूं और वो रिलीज़ हो जाए, क्योंकि गोविंदा नाम इतना शुभ है, ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की है कि ये नाम मिला और वो कामयाब हो गया, और पूरी दुनिया में आज अलग तरह से एक हम लोग के घर परिवार में इज्जत और मान सम्मान मिला हुआ है हमें, तो अब देखिए ऐसा मौका कब आता है, लोगों ने पूछा था बीच में, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय ठहरे। टाइटल क्या होगा, गोविंदा ऐसे ही है, टाइटल क्या रखेंगे, गोविंदा ऐसे ही है, ये सोचने का विषय है यार।